नमस्कार दोस्तों, तो आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है रियलमी GT, जो कि लॉन्च हुआ है 38,000 रुपीज़ पे। और ये 38,000 रुपीज़ पे स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट वाला इंडिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है। ऑलरेडी मैंने इस रियलमी GT के साथ मी 11X Pro का कंपेरिजन वीडियो बना दिया है, इस साइड में देख सकते हैं, और उसमें गिव अवे भी चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज इस वीडियो में देखेंगे ये जो रियलमी GT जो कि 38,000 रुपीज़ में अवेलेबल है, क्या वो बेटर है, या फिर 40,000 रुपये में अवेलेबल जो IQ7 लीजेंड वो बेटर है। इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल का सबसे पहले बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। रियलमी GT इसका टोटल 3 कलर लॉन्च हुआ है, सिल्वर, ब्लू और येलो। और ये जो IQ7 इसका एक ही कलर अवेलेबल है जो कि है व्हाइट। अगर हम दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे ग्लास बॉडी देखने को मिलता है। अब ये जो ग्लास बॉडी एक नॉर्मल ग्लास बॉडी है, कोई गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन वाला ग्लास बॉडी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, रियलमी GT का थिकनेस है 8.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 186 ग्राम। और IQ7 लीजेंड का थिकनेस है 8.7 मिलीमीटर और इसका वेट है 209 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन का जो थिकनेस वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो IQ7 लीजेंड इसका जो वेट वो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, रियलमी GT में आपको मिलेगा 6.43 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 120Hz। लेकिन IQ7 लीजेंड में आपको मिलेगा 6.62 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 120Hz। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले में कोई भी गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ वेबसाइट में ऐसा भी कहा गया है कि जो IQ7 लीजेंड इसके डिस्प्ले में आपको गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए इस जगह पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि IQ7 के डिस्प्ले में आपको गोइला ग्लास मिलता है या फिर नहीं। अगर हम दोनों के डिस्प्ले पे कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें, Realme के डिस्प्ले का मैक्सिमम टच सैम्पलिंग रेट है 360Hz और IQ7 के डिस्प्ले का मैक्सिमम टच सैम्पलिंग रेट है 300Hz। Realme पे डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 1000 nits, IQ में डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 1300 nits। और दोनों ही स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले वो मैक्सिमम HDR10+ कंटेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के CPU के बारे में बात करें, तो इधर तो दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्रोसेसर मिलता है जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और जिसका एंटीटू स्कोर है 7 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। इसके बाद अगर हम दोनों के कूलिंग फीचर के बारे में बात करें, अब देखिए मॉडर्न जमाने पे कोई भी स्मार्टफोन हो जनरली उसमें एक छोटा मोटा कूलिंग फीचर देखने को मिलता है। ये जो रियलमी GT इसमें आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील का कूलिंग चेम्बर और ये जो IQ7 इसमें आपको मिलता है पेपर चेम्बर। अब दोनों ही कंपनी का कहना है कि ये जो कूलिंग सिस्टम है उस स्मार्टफोन के लिए सबसे बेटर है, तो इसीलिए इस जगह हम ये चीज़ कह सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा खासा कूलिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि इस स्मार्टफोन के जो ओवरऑल टेम्परेचर 5 डिग्री तक कम करेगा। नेक्स्ट अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, रियलमी GT पे आपको मिलेगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। लेकिन IQ7 में आपको मिलेगा 48, 13 और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। और फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। ये जो Realme और IQ दोनों का जो मेन सेंसर वो दरअसल सोनी का सेंसर है, लेकिन इधर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो Realme GT इसका मेन सेंसर बहुत पावरफुल है कम्पेयर टू IQ, लेकिन IQ7 में जो सेकेंडरी सेंसर वो ऑब्वियसली बेटर है इस Realme GT के मुकाबले। तो मतलब इधर एक चीज़ कह सकते हैं कि कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट नज़दीक ही है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, रियलमी GT दो ही वेरियंट पर लॉन्च हुआ है, 8 120GB और 12 256GB। और IQ7 लीजेंड इसका बस एक ही वेरियंट लॉन्च हुआ है जो कि 8 120GB। और दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई भी SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, मतलब आपको बस 2 SIM कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें, तो इधर आपको दोनों स्मार्टफोन में LPDDR5 क्वालिटी का रैम मिलेगा, उसके साथ UFS 3.1 क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के ऑडियो के बारे में, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का प्राइस है 40,000 रुपए के आसपास और दोनों ही स्मार्टफोन को कहा जाता है कि फ्लैगशिप किलर, तो ऑब्वियसली दोनों पे आपको एक प्रॉपर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, उसके साथ हाई रेस ऑडियो का भी फीचर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के बैटरी के मामले में, और इस मामले में मेरे ख्याल से IQ बहुत ही ज्यादा पीछे, क्योंकि रियलमी पे आपको मिलेगा 4500 mAh बैटरी, उसके साथ 65W
का चार्जर। देखिए आजकल के दिन में 4500 mAh बैटरी ठीक है, लेकिन IQ7 में आपको मिलता है 4000 mAh बैटरी, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 4000 mAh बैटरी 2021 साल में बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर हम इसमें लगातार गेम खेलेंगे तो मेरे ख्याल से 4 या 4.5 घंटा लगातार चलेगा। हो सकता है कि इसके साथ आपको 66W का चार्जर मिलेगा, जो कि इसके बैटरी को ऑलमोस्ट 30-45 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा, लेकिन फिर भी बस 4000 mAh बैटरी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के पोर्ट के बारे में। Realme पे आपको 3.5mm जैक और NFC का सपोर्ट मिलेगा, IQ7 पे आपको 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन NFC का सपोर्ट मिलेगा। Realme और IQ दोनों पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके बाद अगर हम दोनों के OS के बारे में बात करें, Realme GT और IQ दोनों पे आपको करेंटली Android 11 मिलता है। Realme GT का जो यूजर इंटरफेस वो दरअसल Realme UI, लेकिन IQ7 का जो यूजर इंटरफेस वो दरअसल फनटच OS। लेकिन अगर मैं इधर मेरा ओपिनियन दूं तो मैं इधर Realme UI के जो यूजर इंटरफेस मैं उसे चूज करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने फनटच OS इस्तेमाल किया था, मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का यूजर इंटरफेस लगा, इसलिए मेरा पर्सनल चॉइस के हिसाब से मैं इधर Realme यूजर इंटरफेस को चूज करना चाहूंगा। और इसके बाद फाइनली अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, Realme GT का 8 1 GB का प्राइस है 38,000 rupees और 256 GB का प्राइस है 42,000 rupees और IQ7 का जो एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 40,000 rupees। तो आप बारी इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो 40,000 में कौन सा बेटर है, IQ या फिर Realme, नेक्स्ट साथ देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, अगर आपका बजट है 40,000 रुपए, अगर आप इस प्राइस पॉइंट में IQ7 Legend के साथ जाते तो आपको सिर्फ एक ही एडवांटेज मिलेगा, जो कि 0.2 इंच का बिगर डिस्प्ले। लेकिन अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में Realme GT के साथ जाते, पहला तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी टच सैम्पलिंग रेट, जो कि गेमिंग में आपको ज्यादा मदद करेगा, बेटर क्वालिटी मेन सेंसर, जो कि ऑब्वियसली कैमरे में आपको मदद करेगा, ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी बैटरी और 3.5mm जैक। तो मतलब वीडियो के आखिर में इधर हम यही चीज कह सकते हैं, अगर आपका बजट है 40,000 रुपए और अगर आप IQ और Realme के स्मार्टफोन के बीच में कोई एक स्मार्टफोन को चूज करना चाहते तो आपको 100% Realme GT को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि देख ही सकते 40,000 रुपए पे जो Realme GT वाला स्मार्टफोन ये आपको ज्यादा फीचर दे रहा है कंपेयर टू IQ7। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे कि IQ7 और Realme GT के बीच में हम Realme GT को चूज करना चाहेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आई बटन में जरूर देखना, मैंने कुछ देर पहले Realme GT के साथ Mi 11X Pro का कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, वो वीडियो देखने के बाद ही फिर डिसाइड करना कि 40,000 रुपए में आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना, उम्मीद है आज का छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वैसे फ्यूचर में अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते तो गैजेट जानकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। Thank you.